हेलो, मैं डॉक्टर राव। आज आपको बताऊंगा कि जो फिनाइल इम्प्लांट है, हम एक पेशेंट से बात करेंगे जिसको हमने एक दिन पहले ऑपरेट किया है, 2 दिन पहले, फिनाइल इम्प्लांट के। और कुछ कॉमन क्वेश्चंस पूछेंगे फिनाइल इम्प्लांट के बारे में, जो हर आदमी के मन में होते हैं कि कितना दर्द होता है, कैसे होता है। तो आप देखिए उनका क्या रिव्यू है, वो किस तरह से फिनाइल इम्प्लांट की सर्जरी के बाद रिकवर किए हैं। आपने फिनाइल इम्प्लांट कराया है, मैं आपसे 5 क्वेश्चंस इसके बारे में पूछूंगा। पूछे सबसे पहला क्वेश्चन है कि ये कितने साल से आप इससे सफर कर रहे थे कि इरेक्शन में प्रॉब्लम है या टाइमिंग खराब है ये सब? ये तो हमारे बचपन की गलतियों की वजह से हुआ है। अच्छा, लगभग 14-15 साल की उम्र से। अभी आपकी उम्र 38 साल है, हाँ 38। तो 15 साल की उम्र से आपको ये प्रॉब्लम शुरू हो गई थी, यानी 23 साल से आप इस प्रॉब्लम से जूझ रहे थे। तो कभी इतने साल से जूझ रहे हो तो कभी सोचा नहीं कि भाई इसका क्या इलाज होगा या क्या होगा? इलाज तो किए लेकिन सक्सेस नहीं हो रहा था कहीं। फिर आपका वीडियो देखे तो उससे हम इंस्पायर हुए कि चलो फिर मिलते हैं डॉक्टर साहब से। आपसे कहाँ पे रहते हो आप? हम तो बाहर रहते हैं, सऊदी अरब में। मिडिल ईस्ट में काम करते हो, सऊदी अरब में? ठीक है, तो आप कराने हैं, छुट्टी आए थे तो आपने सोचा ये भी करा लेते हैं। तो मेन प्रॉब्लम क्या थी इसमें? दूसरा क्वेश्चन है कि भाई आपने कहा कि बचपन की गलतियों से मेरे को ही हुआ, लेकिन दिक्कत क्या आती थी? दिक्कत ये आती थी कि मैंने ज़्यादा ही हंस पसंद किया हाँ था, हाँ इससे बाद में मेरा मतलब पूरा ही डाउन हो गया। अच्छा, अगर ख़राबी होता है तो हम इतना सेक्स नहीं कर पाते, 1-2 मिनट के अंदर में और दवाई लेनी पड़ती थी, दवाई लेनी पड़ती। दवाई लेनी पड़ती थी, और तब भी पूरा अच्छे से सेक्स नहीं होता था, कॉन्फिडेंस नहीं नहीं होता था। था, कौन फिर नहीं होता था। तो अब 38 साल उम्र होगी आपकी, शादी करने का कब प्लान है? शादी तो हो गई है, शादी हो गई है, मतलब मेरे हाफ हुआ है। हाफ शादी हुई है, मतलब कुछ आपके यहाँ पे कस्टम है कि हाँ, 6-7 महीना बाद फिर छः पूरा। सात महीने बाद दोबारा जाओगे, तो अब आप जा रहे हैं। इससे पहले आपने क्या ट्रीटमेंट लिया ज़्यादातर इसके? अभी तो आपने पिनाइल इम्प्लांट करा, उससे पहले क्या ट्रीटमेंट ली? नहीं, हम तो अंग्रेजी कोई दवाई नहीं लिए थे, थोड़ा वही आयुर्वेदिक था, आयुर्वेदिक इसी से लिए थे, लेकिन इससे कोई फायदा हुआ नहीं। से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो हमने आपको टेडलाफिल दी थी, पी शॉट भी दिया था, तो उससे कितना फ़ायदा हुआ? उससे तो मतलब 25-30% तो ठीक लग रहा था। हाँ, 25-30% ही ठीक था। तो हाँ फिर आपको लगा कि नहीं, कर आप जो बोले थे कर लेना बेहतर है, अच्छा तो उसमें कर ही लेते फिर एक बार में से ही। अच्छा ठीक है, तो आपको सिर्फ 25-30% फायदा हुआ, तो आपको लगा कि पूरा ही इलाज करा लेते हाँ, हैं। पूरा एक बार ही करा लेना ठीक है। अच्छा ठीक है, आपकी हमने परसों शाम को ये सर्जरी की है, तो कितना दर्द, कितना डिस्कम्फर्ट, कितना नहीं, दर्द अभी तो हुआ? फीलिंग अच्छा लग रहा है, अभी तक तो कोई दर्द नहीं लग रहा है। सर्जरी के 2-3 घंटा बाद थोड़ा सा लग रहा था, हल्का फुल्का। अच्छा, हाँ, अभी तो माशाल्लाह ठीक है। बिल्कुल ठीक लग रहा है। अभी कोई दर्द नहीं आप लग घर रहा। जाने के लिए तैयार हैं? हाँ, अभी तो हम रेडी हैं। कैसे जाएंगे, ट्रेन से? हाँ, ट्रेन से। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है ये कि भाई आपको अब कितना कॉन्फिडेंस, कुछ ऐसा लग रहा है कि अब मेरा हो जाएगा ठीक? और जो अगले, बहुत से लोग, जैसे आप यूट्यूब वीडियो देख के हैं, बहुत से लोग यूट्यूब वीडियो देख के आते हैं, तो उनको कुछ मैसेज देना चाहते हैं, क्योंकि लोग डरते हैं सर्जरी से। नहीं, डरने की बात नहीं, डॉक्टर जो भी करता है अच्छाई के लिए करता आप खुद भी मेडिकल फील्ड से हैं? है। हाँ, हम भी डॉक्टर के साथ ही रहते हैं, हाँ डॉक्टर बेहतरी बेहतर जानते हैं हमसे। ठीक सलाह है, मानना चाहिए डॉक्टर का, सलाम आना चाहिए। बेशक सही बात फिनाइल है। इम्प्लांट में कितना आपको, मतलब जितना डर था क्या उससे कम है हाँ, डरने की? शुरुआत में तो लगा था, हाँ, लेकिन जब आपने किया पता भी नहीं चला हमको। नहीं पता लगा, नहीं, तो अब रिलैक्स हैं आप? हम पूरा कंप्लीट ठीक है अभी।